आखिर में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के इक़्तिबास पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं, कभी कोई झूठ इस कदर चल नहीं सकता। आखिर दुनिया में हम देखते हैं कि बदी करने वाले झूठे और फरेबी अपने झूठ में थक कर रह जाते हैं। फिर क्या कोई ऐसा मुफ्तरी हो सकता है जो बराबर 25 बरस से खुदा ताला पर इफ्तिरा कर रहा हो? उस ज़माने जो आपने ये फरमाया था, 25 बरस हो चुके थे, और थका ना हो और खुदा को भी उसके लिए गैरत ना आवे बल्कि उसकी ताइद में निशानात जाहिर करता रहे, ये अजीब बात है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। खुदा ताला हमेशा साथ को ही की नुसरत और ताइद करता है। आज 130 साल के बाद भी हम देख रहे हैं कि वो ताइदात अल्लाह ताला की हमारे सामने हाल हैं। फिर फरमाते हैं, उस वक्त जब कोई ना जानता था और ना यहाँ आता था, ये कहा, यानी अल्लाह ताला ने ये कहा कि यातूना मिनकुल्ले फज्जिन अमीक और याती का मिनकुल्ले फज्जिन अमीक, क्या ये मुफ्तरी कर सकता है कि ऐसा कहे और फिर खुदा भी ऐसे मुफ्तरी की परवाह ना करे बल्कि उसकी पेशगोई पूरी करने के दूर दराज से लोग भी उसके पास आते हैं। और हर किस्म के तहाइफ और नकद भी आने लगे। अगर ये बात हो कि मुफ्तरी के साथ भी ऐसे मामलात होते हैं, फिर नबूवत से ही अमान उठ जावे। फरमाया कि यही निशान है जो हमारी जमात की मोहब्बत और इखलास में तरक्की का बायस हो रहे हैं। मुफ्तरी और सादिक को तो उनके मुंह ही से देखकर पहचान सकते हैं। फरमाया कि सच्चाई का ये भी एक निशान है कि सादिक की मोहब्बत सईद फितरत लोगों के दिलों में डाल देता है। अहमक को ये राह नहीं मिलती कि नूर का हिस्सा ले, वो हर बात में बदगुमानी ही इसे काम लेता है। फरमाया, हमको तकल्लफ और तसन्नों की हाजत नहीं, हमारा अपना कोई काम नहीं है, खुदा ताला का अपना काम है और वो खुद कर रहा है। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला हमको महजूब होने की हालत में ना छोड़ेगा। बड़े तहदी से फरमाया, अल्लाह ताला हमको महजूब होने की हालत में ना छोड़ेगा, वो सब पर अतमाम हुज्जत कर देगा। याद रखो, समावी और अर्जी आदमियों में फ़र्क होता है। जो खुदा ताला की तरफ से आते हैं, वो खुद उनकी इज्जत को जाहिर करता और उनकी सच्चाई को रोशन करके दिखाता है, और जो उसकी तरफ से नहीं आते और मुफ्तरी होते हैं, वो आखिर जलील होकर तबाह हो जाते हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हमारी जमात का ईमान कमज़ोर रहे। मेहमान अगर ना भी चाहे तो भी मेज़बान का फ़र्ज़ है कि उसके आगे खाना रख दे। इसी तरह पर अगर निशानों की ज़रूरत कोई भी ना समझे, तब भी अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से जमात के ईमान को बढ़ाने के लिए निशानात जाहिर कर रहा है। ये भी सच्ची बात है कि जो लोग अपने ईमान को निशानों के साथ मशरूत करते हैं, वो सख्त गलती करते हैं। हज़रत मसीह के शागिर्दों ने मायदा का निशान मांगा तो यही जवाब मिला था कि अगर इसके बाद किसी ने इनकार किया तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी नज़ीर ना होगी। फिर फरमाया, बस तालिब का अदब यही है कि वो ज़्यादा सवाल ना करे और निशान तलब करने पर ज़ोर ना दे। जो इस आदाब के तरीक़ को महफूज़ रखते हैं, खुदा उनको कभी बेनिशान नहीं छोड़ता और उनको यकीन से भर देता है। सहाबा की हालत को देखो कि उन्होंने निशान नहीं मांगे, मगर क्या खुदा ने उनको बेनिशान छोड़ा? हरगिज़ नहीं। तकालीफ पर तकालीफ उठाई, जाने दी, आदा ने औरतों तक को ख़तरनाक तकलीफ़ों से हलाक किया, मगर नुसरत हनूज नमूदार ना हुई। आखिर खुदा के वादे की घड़ी आ गई और उनको कामयाब कर दिया और दुश्मनों को हलाक किया। ये सच्ची बात है कि खुदा सब्र करने वालों के साथ होता है। फरमाया कि इसमें कुछ भी शक नहीं कि इन सारी तरक्कियों की जड़ ईमान है। जड़ ईमान ही है, इसी के ज़रिए से इंसान बड़ी बड़ी मंजिलें तय करता और सैर करता है। फिर मुखालफीन को मुखातिब करके आपने फरमाया कि अब ऐ मुखालिफ मौलवियों और सजादा नशीनों, ये नज़ा हम में और तुम में हद से ज़्यादा बढ़ गई है,
اور اگرچہ یہ جماعت بنسبت تمہاری جماعتوں کے تھوڑی ہے, تھوڑی سی اور فیا کلیلہ ہے, اور شاید اس وقت تک بہت, جب آپ نے بیان ہوا ایسا 4-5 ہزار, ابھی بھی بہت تھوڑی ہے. بہرحال فرماتے ہیں, تاہم یقین سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے, خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, وہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے, اور وہ اس کی آپاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا. کیا تم نے کچھ کم زور لگایا؟ بس اگر یہ انسان کا کام ہوتا تو کبھی کا یہ درخت کاٹا جاتا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کی ترقیات پہلے سے بڑھ کر دکھائے, مخالفین کے شر اور مکر سے بچائے, سعید فطر لوگوں کی مدد فرمائے کہ وہ ان وسوسے پیدا کرنے والوں اور فتنہ پردازی کرنے والوں کے چنگل سے نکل کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں, تاکہ غلبہ اسلام کے لیے اس جری اللہ کے مددگار بن سکیں, دنیا سے فتنہ و فساد بھی ختم ہو اور دنیا خدا واحد کی عبادت کرنے والی بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فرائض انجام دینے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اب ان لوگوں کو بھی عقل آ جائے. اب دعا کر لیں.